अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख आज़म। मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आपके लिए लाया हूँ ये बहुत ज़रूरी है और आपने इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि आज हमने पढ़ना है बंक के बारे में। दी बंक, और बंक को कहते हैं, अरे बंक को बैंक ही कहते हैं, सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। इसको प्रोनाउंस करते हैं दी बंक। जर्मनी में मौजूद हर शख्स का एक अकाउंट होता है और आपके पास बैंक के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन, उसमें मौजूद अकाउंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो तो फिर तो क्या ही बात है जनाब। चलें जी, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बंक की हमें ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हम करते हैं काम, और काम को आपको पता है कि कहते हैं आरबाइट, और आरबाइट से हम क्या करते हैं, गेल्ड को अर्न करते हैं, और अर्निंग को कहते हैं फर्दीनन। फर्दीनन एक रेगल बेसिक वर्ब है। इससे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, इश फर्दीने नहीं सो फील, कि मैं ज़्यादा अर्न नहीं करता। हाँ, अगर आप ये वर्ड यूज़ करें गेनुक एनफ, इश फर्दीने गेनुक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गेनुक फर्दीन करता हूँ। आरबाइट करके आपको क्या मिलती है, सैलरी, और सैलरी को क्या कहते हैं, गेहाल्ट, दस गेहाल्ट। और गेहाल्ट लेने के लिए वो कहाँ जाता है, बैंक में। जब वो बैंक जाता है तो हम उससे पूछते हैं भाई कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कैसे पूछते हैं, वो हिन गेस तू, वो ही कि तुम कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जाते हो, तो वो हमें क्या आंसर देता है, इस गे सो बंक। ये सो जो है ये डाटी आ गया, तो इसको समझने के लिए आपको डाटी वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। और अगर वो बैंक में हो तो हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ हो, कैसे पूछते हैं, वो भी सू, ये तो आपको पता है, तो वो आगे से क्या कहता है, इश बी इन देयर बंक, मैं बंक में हूँ। मे भी आपके माइंड में आए कि बंक का आर्टिकल तो दी है, यहाँ पे देयर बंक कैसे आ गया, ये भी डाटिव है, क्योंकि यहाँ पे वो की कंडीशन आ गई, वो कह रहा है कि मैं बंक में हूँ, कहाँ हूँ, बंक में, यहाँ पे वो की कंडीशन आ गई, तो ये डाटिव हो गया। इसके लिए आपको डाटी वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, काम करके मिलेगी आपको गेल्ड, मनी, ये तो पता है आपको, और आपको पता है कि गेल्ड की भी किस्में होती हैं, देया गेल्ड शाइन, नोट, 5 यूरो, 10 यूरो, 20 यूरो, जो नोट होते हैं उसको कहते हैं गेल्ड शाइन। दी म्यूनसे कॉइन, क्लाइन गेल्ड, स्मॉल गेल्ड, यानी खुले पैसे। आइन सालन, डिपॉजिट करना। इस वर्ड को मैं एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं, इश म्यूश्ते 100 यूरो माइन कॉन्टो आइन सालन, कि मैं 100 यूरो जो है अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहता हूं। अबहेबन, विड्रॉ, इश मुसोइटे एटवस गेल्ड अबहेबन, आज मुझे मस्त कुछ मनी जो है वो विड्रॉ करनी है। स्पागन, टू सेव, ये एक रेगल बेसी वर्ब है, बहुत आसान है, इससे हम एक बहुत इजी सेंटेंस बना सकते हैं, इश पागे गेल्ड, आई सेव मनी, बहुत इजी सेंटेंस है। वैक्सन, एक्सचेंज, क्यों न जी बिटे 100 यूरो वैक्सन, क्या आप 100 यूरो चेंज कर सकते हैं।
überweisen to transfer. Ich muss 10 Euro auf Amazon überweisen. मैंने must 10 Euro Amazon पे transfer करने हैं. मैंने आपसे कहा था कि जो modal verb है बहुत ज़रूरी हैं, आप इनसे बहुत सारे sentences बना सकते हैं. अब मैंने आपको इनके साथ sentences बना के दिखाए हैं. बैंक में आपने क्या बनाना होता है? एक अकाउंट. और अकाउंट को क्या कहते हैं? दस कॉन्टो अकाउंट. दस स्पार कॉन्टो सेविंग्स अकाउंट. दस शीरो कॉन्टो करंट अकाउंट. अकाउंट को ओपन करने के लिए कौन सा वर्ब यूज होता है? eröffnen. कैसे प्रोनाउंस करेंगे? eröffnen. फॉर एग्जाम्पल, ein Konto eröffnen. और Konto को क्लोज करने के लिए schließen. एक सेंटेंस के साथ Ich möchte mein Konto schließen. कि मैं अपना अकाउंट क्लोज करना चाहता हूं. Der Kontoinhaber. Owner of account. Die Kontonummer. Account number. Die IBAN. ये तो आपको पता है, इंटरनेशनल बैंक नंबर. Der Kontoauszug, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. और इसका प्लूरल क्या होगा? Die Kontoauszüge, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट. ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिस पे आपके अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन दर्ज होती है कि आपने गैल्ड कब डिपॉजिट की, कब विड्रॉ की, सारी इंफॉर्मेशन आपको कॉन्टो ओसुगे से मिल जाती है. और आपको कॉन्टो ओसुगे अलग-अलग प्रिंट करना पड़ता है. वो कान इस दी कॉन्टो ओसुगे आउसुकन, कि मैं कॉन्टो ओसुगे जो है कहाँ पे प्रिंट आउट कर सकता हूँ. Der Kontostand, account balance. Sentence देखे. Wie ist mein Kontostand? मेरा account balance कैसा है? Die Einnahme, income. और expense को क्या कहते हैं? Die Ausgabe. इनका sentence कैसे बनेगा? Meine Einnahme ist weniger als meine Ausgabe. मेरी इनकम जो है मेरे एक्सपेंस की निस्बत कम है. Der Geldautomat, ATM. Die PIN, या geheim Zahl. गेहाइम का वर्ड कहाँ से आया है? गेहाइमने से. ये हमने वर्ड पढ़ा हुआ है, सीक्रेट. नेक्स्ट देखें. आई थिंक ये काफ़ी हो गया है, अब नेक्स्ट ना देखें. तो ये लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं. तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे. अगर अच्छा लगे भाई तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जिनको जर्मन लैंग्वेज की नीड हो उनके साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आपको कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. मुझे अब अपनी दुआ में याद रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.